His Excellency Mr. Philip Nyusi, President of Mozambique, His Excellency Mr. Ramos Horat, President of Timor-Leste, His Excellency Mr. Petr Fiala, Prime Minister of Czech Republic, Gujarat ke Governor Acharya Devrat ji, yahan ke lokpriya Mukhyamantri Bhupendra Bhai Patel, देश विदेश से आए हुए सभी विशेष अतिथि, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, आप सभी को 2024 की अनेक अनेक शुभकामनाएं। निकट भूतकाल में भारत की आजादी के 75 साल पूरे हुए हैं और अब भारत अगले 25 वर्षों के लक्ष्य पर काम कर रहा है। जब भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष मनाएगा, तब तक हमने भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य रखा है और इसलिए ये 25 साल का कार्यकाल भारत का अमृतकाल है। ये नए सपने, नए संकल्प और नित्य नूतन सिद्धियों का कार्यकाल है। इस अमृतकाल में ये पहली वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट हो रही है और इसलिए इसका महत्व और बढ़ गया है। इस समिट में आए 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि भारत की इस विकास यात्रा के अहम सहयोगी हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, यूएई के राष्ट्रपति मेरे ब्रदर हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद का इस आयोजन में शामिल होना हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। वाइब्रेंट गुजरात में इस समिट में उनका यहां चीफ गेस्ट के तौर पर उपस्थित होना भारत और यूएई के दिनों दिन मजबूत होते आत्मीय संबंधों का प्रतीक है। कुछ देर पहले हमने उनके विचार सुने, भारत को लेकर उनका विश्वास, उनका सहयोग बहुत ही गर्मजोशी से भरा हुआ है। जैसा उन्होंने कहा, वाइब्रेंट गुजरात समिट इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी जानकारियों और अनुभव साझा करने का ग्लोबल प्लेटफॉर्म बन गई है। इस समिट में भी भारत और यूएई ने फूड पार्क्स के विकास के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए,
इनोवेटिव हेल्थ केयर में निवेश के लिए कई महत्वपूर्ण समझौते किए हैं। भारत के पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में यूएई की कंपनियों द्वारा कई बिलियन डॉलर के नए निवेश पर सहमति बनी है। यूएई के सॉवरेन वेल्थ फंड द्वारा गिफ्ट सिटी में ऑपरेशन शुरू किए जाएंगे। ट्रांसवर्ल्ड कंपनी यहां एयरक्राफ्ट और शिप लीजिंग एक्टिविटीज भी शुरू करने जा रही है। भारत और यूएई ने जिस तरह अपने रिश्तों को एक नई ऊंचाई दी है, उसका बहुत बड़ा श्रेय मेरे ब्रदर हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद को जाता है। फ्रेंड्स, मोजाम्बिक के प्रेसिडेंट हिज एक्सलेंसी न्यूसी से कल भी मेरी बहुत विस्तार से बात हुई है। उनके लिए तो गुजरात आना पुरानी यादों को ताजा करने जैसा है। प्रेसिडेंट न्यूसी आईआईएम अहमदाबाद के एल्यूमनाई है। भारत के लिए गर्व की बात है कि हमारी G20 प्रेसिडेंसी में अफ्रीकन यूनियन को स्थायी सदस्यता मिली। प्रेसिडेंट न्यूसी की भारत यात्रा से हमारे संबंधों को तो बल मिला ही है, भारत अफ्रीका के बीच घनिष्ठता और बढ़ी है। साथियों, चेक के प्रधानमंत्री हिज एक्सलेंसी पेत्र फियाला जी की ये पहली भारत यात्रा इस पद पर है। वैसे वो भारत पहले भी आए हैं। चेक लंबे समय से वाइब्रेंट गुजरात समिट से जुड़ा हुआ है। भारत और चेक के बीच टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल्स, मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स में सहयोग लगातार बढ़ रहा है। हिज एक्सलेंसी पेत्र फियाला, मुझे विश्वास है आपकी इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे।